Hello class 6 students, now we are going to start our new topic. Now the topic is components of habitats. ठीक है, यानी habitat मैंने आपको बताया था कि वो जगह जहाँ पर कोई भी organisms अपने surrounding के according नहीं को जो भी factors हैं जिनके basis पर वो survive कर सकता है, तो वो हम उसका habitat बोलते हैं. अब देखिए environment के अंदर कौन से components होते हैं. हमारा जो environment है वो depend करता है two types के components पर, and these are बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अवर हैबिटेट. बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब आते हैं, और इसके अंदर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अबायोटिक कंपोनेंट. अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट. ये अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और इसके अंदर ये भी डिवाइड होता है टू टाइप्स. फर्स्ट इज फिजिकल एंड नेक्स्ट इज क्लाइमेट. फिजिकल क्या होता है? फिजिकल के अंदर यानी कि जो हमारी फिजिकल टेक्सचर पर डिपेंड करता है. फिजिकल में अंदर आ गया सॉइल, वाटर एंड एयर, और क्लाइमेटिक के अंदर आ गया यानी कि जो हमारी जलवायु पर डिपेंड करता है. क्लाइमेट के अंदर आ गया लाइट, वाइंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग देयर. ये जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी हैबिटेट के, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं इसको, ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल को, मतलब ऑर्गेनिजम्स की जो रहने की क्षमता है उसको, चाहे वो कहीं भी रहता हो उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं. सो दैट्स ऑल टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.